आरपीटेक में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, नए वीक की शुरुआत हो चुकी है, पर आज भी आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं हमेशा की तरह एकदम कमाल की ताजा खबरें, आपको सुनने में मजा आएगा। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली ही बार आए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को बजाइए, क्योंकि हम इसी तरीके से रोजाना आपके लिए वीडियो जो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए आज की भी टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं दोस्तों बाइट डांस से। बाइट डांस के और समय बहुत ही जल्दी उनका एक नया वीआर हेडसेट देखने को मिलने वाला है, जिसका नाम कहा जा रहा है बाइट डांस पीको 4S रहेगा। जी हाँ, वैसे यही वीआर हेडसेट के कुछ फीचर्स के बारे में बात करें, मैं कहा जा रहा है 12GB रैम का हमें सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, स्नैपड्रैगन XR2 Gen 2 चिपसेट का इस्तेमाल होने वाला है और रिमूवेबल स्ट्रैप्स भी होंगे। जी हाँ, अब देखते हैं दोस्तों ये नया वीआर हेडसेट हमें कितनी ही जल्दी देखने को मिल जाता है। सैमसंग की बात करें तो वे सैमसंग गैलेक्सी S24 FE यानी कि फैन एडिशन, जिसके ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस की डिटेल्स निकल कर बाहर आ चुकी है। अगर स्पेक्स के बारे में बात करें तो 6.7 इंच के में FHD+ डायनेमिक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। Exynos 2400E चिपसेट का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा। 50+12+8 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होने वाला है। 4700 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स होगा। वैसे दोस्तों, स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलने वाला है और इसी के साथ हमें गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा फ्रंट एंड बैक दोनों ही साइड में। अप टू 12GB रैम का सपोर्ट भी होगा। वैसे ये स्मार्टफोन की अगर कीमत की बात करें तो स्मार्टफोन की एक्सपेक्टेड प्राइस कही जा रही है $599 से लेकर $649 होगी। जी हाँ, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इंडियन करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट करें तो कुछ 50,000 से लेकर 55,000 के आसपास। अब देखते हैं दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S24 FE ये स्मार्टफोनों में कितनी ही जल्दी भारत में देखने को मिल जाता है। एप्पल की बात करते हैं दोस्तों, वे एप्पल की अपकमिंग जो नेक्स्ट जेन आईपैड एयर की लाइनअप आने वाली है, जिसमें हमें OLED डिस्प्ले का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है हमें 2026 में देखने को मिलेगी। वैसे दोस्तों, एप्पल के जो आईपैड प्रो है जिसमें हमें टैंडम OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, पर ये जो नए आईपैड एयर आएंगे जिसमें सिंगल स्टैक्स OLED पैनल्स देखने को मिल जाएगी। वैसे आपको बता दें दोस्तों, तो सैमसंग ही मेन सप्लायर है जो कि एप्पल को डिस्प्लेस प्रोवाइड करता है। जी हाँ, अब देखते हैं दोस्तों एप्पल की ये जो नए आईपैड एयर की लाइनअप है जो कि हमें कितनी ही जल्दी देखने को मिल जाती है। गूगल की बात करें दोस्तों, गूगल पिक्सल वॉच 3 जो कि मैं बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाली है। वैसे दोस्तों, लॉन्चिंग से पहले भी इसके स्पेसिफिकेशंस एंड प्राइसिंग की डिटेल निकल कर बाहर आ चुके हैं। अगर स्पेक्स के बारे में बात करें तो हमें स्नैपड्रैगन वीयर 5100 चिपसेट का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। 41mm का डायल होने वाला है और दूसरा वेरियंट 45mm के डायल के साथ आएगा। इसी के साथ दोस्तों, हमें 2000 nits की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। 60Hz की डिस्प्ले होने वाली है जो कि प्रीवियस मॉडल्स में हमें 30Hz की डिस्प्ले देखने को मिल जाती थी। 2GB रैम, 32GB स्टोरेज देखने को मिलेगा। वैसे बेस मॉडल में 307mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जबकि जो हायर मॉडल होगा जिसमें हमें 420mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है। वैसे दोस्तों, ये वॉच की एक्सपेक्टेड प्राइस कही जा रही है $349 होने वाली है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इंडियन करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट किया जाए तो कुछ 29,299 रुपीज के आसपास। अब देखते हैं दोस्तों गूगल की ये जो नई पिक्सल वॉच 3 है जो कि हमें कितनी ही जल्दी देखने को मिल जाती है। आईको की बात करें दोस्तों, तो आईको की Z9S सीरीज जो कि 21 अगस्त को लॉन्च होने वाली है भारत में। वैसे दोस्तों, आईको Z9S सीरीज में हमें दो स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, आईको Z9S, आईको Z9S Pro। अब यहाँ पर दोस्तों, आईको Z9S स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक निकल कर बाहर आ चुका है, आप खुद से देख लीजिए। वैसे दोस्तों, देखने में स्मार्टफोन का रिब्रांडेड वर्जन लग रहा है, कमेंट में जरूर से बताइए। फास्टैग की बात करें दोस्तों, तो भाई फास्टैग ने अपनी एक नई स्मार्ट वॉच को भारत में लॉन्च कर दिया है, फास्टैग गंभीर स्मार्ट वॉच। वैसे ये स्मार्ट वॉच के अगर कुछ फीचर्स के बारे में बात करें दोस्तों, फर्स्ट एवर माइक्रो मोटर के साथ आने वाली स्मार्ट वॉच रहने वाली है, जहां पर आपको 3 इंडिविजुअल माइक्रो मोटर्स देखने को मिल जाएगी। आप सेपरेट आवर्स देख पाओगे, सेपरेट मिनट्स भी देख पाओगे। जी हाँ, वैसे देखने में भी स्मार्ट वॉच काफी प्रीमियम लग रही है दोस्तों। और ये स्मार्ट वॉच की अगर कीमत की बात करें तो स्मार्ट वॉच की प्राइस भारत में रखिए ₹6,795। वैसे ये स्मार्ट वॉच को अगर आप परचेस करना चाहते हो तो वे आपके नजदीक इनके जितने भी ऑथराइज्ड ऑफलाइन रिटेल स्टोर है वहां पर, या फिर इनकी जो खुद की ऑनलाइन वेबसाइट है वहां पर भी आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो।
OnePlus की बात करें दोस्तों, तो मैं OnePlus के और से आने वाले उनके अपकमिंग TWS OnePlus Buds Pro 3 जो कि मैं नेक्स्ट वीक देखने को मिलने वाले हैं, OnePlus इसे लॉन्च करेगा। वैसे दोस्तों इससे किए गए कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो भाई हमें 11mm के वूफर, 6mm के ट्विटर्स देखने को मिल जाएगा, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट होने वाला है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, 43 आवर्स की बैटरी लाइफ भी देखने को मिलने वाली है, IP55 की रेटिंग भी होगी। वैसे यही TWS की अगर कीमत की बात करें तो भाई इसकी जो बॉक्स प्राइस है वो कही जा रही है 13,999 रुपीज होगी, यानी कि हमें देखने को मिल जाएगी कुछ 11,999 रुपीज में। जी हाँ, वैसे देखते हैं दोस्तों ये जो TWS है जिसकी क्या प्राइस सेट करता है OnePlus, ये तो मैं नेक्स्ट वीक पता चल ही जाएगा। Honor की बात करें तो भाई Honor ने अपनी Honor 200 Pro स्मार्टफोन में पहली अपडेट दे दी है इंडिया में, जहां पर अपडेट में आपको दोस्तों AI फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग फीचर दिया गया है और August की सिक्योरिटी पैच की भी अपडेट दे दिए। तो दोस्तों अगर आपके पास भी यही स्मार्टफोन अवेलेबल है तो जल्दी से जाकर सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिए और जो आपको नए फीचर्स देखने को मिल जा रहे हैं आप उसका बेनिफिट लीजिए। कामगिरी की बात करें तो अगर आपको चाहिए वायर्ड ईयरफोन, वो भी कम कीमत में, वो भी अच्छी ब्रांड की, तो जो डील है ना वो आपके लिए डेफिनेटली काम की होने वाली है। दोस्तों Zebronics के और सामने Zebro वायर्ड ईयरफोन अभी फिलहाल आपको काफी कम कीमत में Amazon पर देखने को मिल जा रही है। वैसे यही ईयरफोन के अगर कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो हमें 10mm के ड्राइवर्स देखने को मिल जाएंगे, डीप बेस देखने को मिल जाएगा, इनलाइन माइक मिल जाएगा बातचीत वगैरह करने के लिए, साथ ही साथ आपको मल्टीफंक्शनल रिमोट कंट्रोल भी देखने को मिल जाएगा और ये ईयरफोन मोस्टली आपके हर एक डिवाइसेस के लिए कंपेटेबल होने वाले हैं और 6 मंथ की वारंटी भी देखने को मिल जाएगी। और क्या चाहिए, और यही ईयरफोन की अगर कुछ कीमत की बात करें तो अभी आपको Amazon पर देखने को मिल जा रहे सिर्फ 139 रुपीस में। काफी बेहतरीन डील है दोस्तों, किलर डील है, अगर आपको चाहिए तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो, उसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करें दोस्तों, GTA 6 नाम सुन के खुशी सी छा गई होगी, भी खबर तो इससे भी ज्यादा दिल बहलाने वाली हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके। वह ये जो गेम है जो कि मोस्ट वेटेड मच एंटिसिपेटेड गेम है, यह काफी सारे लोग इंतजार कर रहे हैं गेम का। वैसे दोस्तों ये जो गेम है जो कि कहा जा रहा है हमें 2025 में देखने को मिलेगी। जी हाँ, अब यहाँ पर दोस्तों क्वार्टर टू 2024 की रॉकस्टार की रिपोर्ट आ चुकी है, जहां पर उनके अनुसार कहा जा रहा है अभी भी ये गेम स्टिल ट्रैक पर चल रही है, यानी कि हमें 2025 में ही देखने को मिलेगी। वैसे आप भी क्या दोस्तों एक्साइटेड है गेम को खेलने के लिए? पर्सनली हम तो काफी ज्यादा एक्साइटेड है, आप हो या नहीं कमेंट में जरूर से बताइए। तो बस आज की टेक न्यूज़ पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर आप जरूर से नए हो गए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए कीप ऑलवेज स्माइलिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।